पर कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर एमपी सरकार तैयारियों में जुटी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मेडिकल स्टाफ की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हर एक स्तर पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं पर भोपाल के बाजारों को पूरी तरह से अनलॉक करने के लिए सभी कारोबारी और उनसे जुड़े कर्मचारियों की वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। हमारी चिकित्सीय व्यवस्थाओं को कैपेसिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे बिस्तर की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की बात हो, और ये सब यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत है, मैन पावर की भी ज़रूरत है। इसलिए हम लगातार इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में हर स्तर पर हेल्थ से जुड़े हुए हर वर्ग की नियुक्तियां करें, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, और उस पर हम काम कर रहे हैं। हमने भोपाल में निर्णय लिया है कि व्यापारियों के सहमति से ये निर्णय लिया है भोपाल में कि अब हम गुरुवार से पूरी तरह से बाजार खोलेंगे। कल व्यापारियों के साथ बैठे और सभी ने ये निर्णय लिया है कि हम कल बुधवार को भोपाल के समस्त बाजारों में एक विशेष वैक्सीनेशन ड्राइव करेंगे, एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाएंगे। व्यापारियों ने नारा दिया है कि टीका लगवाओ और बाजार खुलवाओ, वैक्सीन लगवाओ और बाजार खुलवाओ। अब हम भोपाल में कल से ये अभियान शुरू कर रहे हैं। कल सुबह से लेकर रात तक समस्त बाजारों में हम विशेष रूप से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं। जितने भी दुकानदार हैं, उनके सेल्समैन, उनके कर्मचारी, वो वैक्सीन लगवाएं, और परसों से, गुरुवार से हम सुचारू रूप से भोपाल के बाजारों को खोल रहे हैं।